बुधवार रात करनाल के नेवल गांव की मस्जिद के अंदर कुछ शरारती तत्व घुस आए और जमकर तोड़फोड़ की। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जा रही थी। हमलावरों ने नमाजियों के साथ मारपीट की और स्पीकर की तारें काट दी। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि उन्हें नमाज पढ़ना बंद नहीं करने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई। हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, 15-20 जने आए और बहुत 15-20 जने आए, उन्होंने नमाज पढ़ते हुए हमारे पर हमला किया और उसके बाद दीवार तोड़ी और तारे तोड़ी, माइक तोड़ा और बोले यदि तुमने दोबारा यहाँ पर अजान दी और नमाज पढ़ी तो तुम्हें जान से मार देंगे। बाहर निकलो, बाहर नमाज नहीं पढ़नी यहाँ पर। अच्छा जी, बोल रहे बाहर निकलो यहाँ से, नमाज नहीं पढ़नी यहाँ पर। या तो तुम नहीं हम नहीं, तो बोले या तो तुम नहीं हम नहीं है। कल से अगर आपने नमाज पढ़ी तो या तो तुम नहीं हम नहीं। बताया जा रहा है कि इन लोगों पर यह हमला स्पीकर पर दी गई अजान को लेकर किया गया। हालांकि मुस्लिम समाज का कहना है कि बेहद कम आवाज में अजान दी गई थी। ना ना, ऐसी कोई आवाज नहीं थी, नॉर्मल आवाज में अंदर हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते थे, स्पीकर में सिर्फ 2 मिनट की अजान होती है। हमले की वजह से रमजान के इस महीने में इन लोगों को अपनी नमाज तक अधूरी छोड़नी पड़ी। सहमे हुए इन लोगों को अब जान का खौफ भी सता रहा है। तो आपने नमाज पढ़ी है या अधूरी छोड़ दी है? अधूरी छोड़ का है जी, जान से मारने की खतरा हम कौन से। तो अब क्या डर लग रहा है कहीं ना कहीं? डर लग रहा है। उधर बार बार फोन किए जाने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, लिहाजा सभी लोग इकट्ठा होकर कंजपुरा पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच करने की बात कर रही है। क्या कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता लगा कि कौन लोग थे? वो कुछ लोगों के नाम दिए इन्होंने? हाँ, कुछ लोगों के नाम दिए। तो मुकदमा दर्ज कर रही है पुलिस? हाँ, अभी जांच कर। तो बड़े अधिकारियों को भी सूचना दी गई है? हाँ बिल्कुल, सबको। सर, ये नमाज छोड़ के आए, इनके साथ गाली गलौज मारपीट की गई है मस्जिद के अंदर ही कुछ? हाँ, जो सच्चाई होगी कार्रवाई करेंगे। करनाल की ये घटना यकीनन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक कोशिश है। प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। हैरानी की बात है कि ऐसी घटनाओं पर कानून लगाम लगाती दिखाई नहीं दे रही। करनाल से नमनदीप, न्यूज 18 हरियाणा।